बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय किचन, मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से रामेन नूडल्स की रेसिपी लेके आई हूँ। जो पैकेट में इंस्टेंट रामेन नूडल्स मिलते हैं ना, इसका टेस्ट वैसा होगा, लेकिन हम कुछ भी पैकेट वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी नूडल्स भी खुद ही बनाएंगे और ये बहुत ही ऑसम बनेगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे नूडल, तो उसके लिए यहाँ पे है मेरे पास 250 ग्राम्स मैदा। मैदे के दरमियान में हम इस तरह से थोड़े से वेल बना लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 2 चुटकी बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप + 1 टेबल स्पून पानी और कांटे की मदद से इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। साइडों से थोड़ा मैदा लेंगे, उस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर तमाम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब हम फोर्क को हटा लेंगे। जो गीला मैदा है उसे सूखे मैदे के साथ इस तरह से हल्का कट करेंगे और फिर स्क्रेपर भी हटा देंगे और अब हाथों की मदद से डो को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक हार्ड सी डो है। नूडल की डो जो है वो इसी तरीके से सख्त गूंदी जाती है, ये देखें। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसको प्लास्टिक फॉल में कवर करके रखेंगे और तकरीबन आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे। तो जी, यहाँ पे डो को मैंने तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दिया है। अब हम इसको फॉल से निकाल लेंगे। डो को 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे, एक पीस को कवर करके रख देंगे। अब डो को हाथ से इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को इस तरह से बेल लेंगे लंबाई में हल्का सा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकती है, बिल्कुल फ्री है। और इससे ज्यादा से ज्यादा रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। अब यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक पास्टर मशीन है, तो उससे सिंपल पहले डो को बेल लूंगी मैं। अगर आपके पास है तो आप सेम इसी तरीके से कर लीजिए और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने डो को सिंपली पतला से बेल लिया है। अब हम इसकी नूडल निकाल लेंगे सिंपल। तो इस तरीके से देखिए, माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट नूडल जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास मशीन नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बटन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी एक वीडियो का जहाँ पे मैंने बगैर मशीन के नूडल बनाई है एक नाइफ से, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, बिल्कुल वैसी सेम ही बनेगी। जी, यहाँ पे हमारी एकदम परफेक्ट नूडल्स रेडी हो गई है। इसको हम निकालेंगे एक बर्तन में। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे मैदा ताकि ये आपस में चिपके ना। इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम नूडल को बॉईल कर लेंगे, तो उसके लिए यहाँ एक बर्तन में मैंने पानी उबाल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। इसमें ऐड करेंगे नूडल और नूडल को हमें बस यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करना है। एकदम परफेक्टली नूडल्स जो है वो इंशाल्लाह बॉईल हो जाएंगी। तो जी, यहाँ पे नूडल्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बॉईल हो चुके हैं। इसको हम एक छन्ने में निकाल लेंगे, अच्छे से छान लेंगे इसको और फिर पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि आपस में चिपके ना। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 अंडे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक और हल्की सी हरी प्याज। इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। इसमें अंडे का मिक्सचर ऐड करेंगे 1/2। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, पकने देंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए अंडे को फोल्ड कर लेंगे, चंक्स में कट कर लेंगे। ये अंडा इतना डिलीशियस लगता है इस नूडल में, अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो आपको मजा आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए हम बाकी का भी अंडा तैयार कर लेंगे। इसको अभी हम सॉस में भी पकाएंगे। तो जी, अब सॉस पका लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक वॉक है। वॉक में हम ऐड करेंगे ऑयल, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए। इसको अच्छी तरीके से तेल में पका लेना है। इससे क्या होगा कि ऑयल में अच्छे से कलर भी आ जाएगा और चिकन का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो मैंने इसको ऑयल में अच्छे से पका लिया है। अब हम यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, थोड़ी सी हरी प्याज ऐड करेंगे, 2 टीस्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून सेसमे ऑयल। अब जो हम बाहर से रामेन नूडल खाते हैं ना, उसमें सीवीड का फ्लेवर होता है लेकिन बहुत ही लाइट सा, तो हम यहाँ पे हल्की सी सीवीड ऐड करेंगे। हल्की सी सीवीड ऐड करने से इसमें बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा क्लासी रामेन का फ्लेवर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चीनी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे,
पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि सॉस जो है वो अच्छे से पके, प्रॉपर इसमें कुकिंग का टेस्ट आए। लास्ट में हम इसका नमक चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमने इसमें सॉसेस ऐड किए, चिकन पाउडर ऐड किया, उसमें नमक होता है। और फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो मैं जस्ट 1/4 teaspoon ऐड करूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें एकदम फ्रेशली कुक नूडल्स ऐड करेंगे। अंडा जो कि हमने कुक किया था वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से नूडल्स जो एग को हमें सॉस में पकाना है। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सॉस एकदम नूडल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो जी हमारे बहुत ज्यादा डिलिशियस इंस्टेंट रामेन नूडल्स जो है वो रेडी हैं। इंस्टेंट रामेन नूडल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये इंस्टेंट तो नहीं है लेकिन जो इंस्टेंट नूडल्स पैकेट वाले होते हैं ना, इसका टेस्ट वैसा है। वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और उसी को माइंड में रख के मैंने ये बनाया है। और मुझे पता है कि आप सबको भी ये बहुत ही पसंद है, तो आपको रेसिपी जरूर से ट्राई करनी है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।